उत्तराखंड में कांग्रेस में चल रहा सियासी संकट सुलझने के बाद सत्ताधारी बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई। सरकार के वरिष्ठ मंत्री और राज्य के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हरक सिंह के करीबी और देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दे दिया। एक के बाद एक दो बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी की बुनियाद हिल गई। इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। यह आशंका पहले से जताई जा रही थी कि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता अगले साल होने वाले चुनाव 2022 से पहले पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। इस बात के संकेत अब इन दोनों नेताओं के इस्तीफे के बाद मिलने लगे हैं। इससे पहले यशपाल आर्य भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभी 3 और विधायक बीजेपी छोड़ सकते हैं। चुनाव की कमान मिलने के बाद हरीश रावत खुलकर खेलने लगे हैं। आगे भी बीजेपी छोड़ने वाले नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि उन्होंने लिखित में अपना इस्तीफा सौंप दिया है या नहीं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता यशराज आनंद फोनलाइन पर देहरादून से जुड़ चुके हैं। जी यशराज, देखिए बीजेपी में उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कि 3 और एमएलए छोड़ सकते हैं पार्टी, क्या कुछ अभी जानकारी? ऐसी जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि रात में ही मंत्रिमंडल के बैठक के बाद बीच में ही हरक सिंह रावत ने अपने इस्तीफे देने की पेशकश कर दी, लेकिन इस्तीफा अभी दिया नहीं गया है जी। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके जाने के बाद, चूंकि उनकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि उनके कोर्ट द्वार में मेडिकल कॉलेज जो वो बनाना चाह रहे हैं उसमें 5 करोड़ रुपए देने की बात हो रही थी, लेकिन इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, कोई बजट जारी नहीं किया गया। इस कारण से वो काफी नाराज थे, लेकिन उनकी नाराजगी जब वो चले गए विधो उठ करके, तो उसके बाद अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है उन्होंने कमान संभाली और अमित शाह से और बात करवाई, उमेश शर्मा साहू को अमित शाह से बात करवाई जी। उसके तुरंत बाद उन्होंने हरक सिंह रावत को भी अमित शाह से और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करवाया। उसके बाद अभी यह कहा जा रहा है कि सारा मामला निपट गया है, कोई भी कहीं से छोड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि आज हरक सिंह रावत दिल्ली जाने वाले जी। शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।